देखनी है ये दुनिया सारी, समझनी है सब दुनियादारी। देखनी है ये दुनिया सारी, समझनी है सब दुनियादारी। हौसलों में भर के दम, आत्मविश्वास से बढ़ा कदम। देखनी है ये दुनिया सारी। से भी आसमां से भी करने चली हूँ मैं यारी। भरनी है उड़ान, लिखनी है खुद की पहचान। भरनी है उड़ान, लिखनी है खुद की पहचान। हेलो दोस्तों, हाजिर है हम चुलबुली बुलबुली के संग जीवन कौशल की नई डगर पर। रूम टू रीड प्रस्तुत करता है जीवन कौशल शिक्षा पर आधारित कार्यक्रम हौसले की डगर। अच्छा दोस्तों, जीवन की चुनौतियों को पार करने में यदि माता पिता या किसी अपने का साथ मिले तो उससे हिम्मत मिलती है। रिश्तों की अहमियत जब अपनों से सीखो तो हर रिश्ता बखूबी निभाना आ जाता है। इसी पर आधारित है आज की कहानी। अरे रीना, वहाँ क्यों खड़ी हो? मैं यही ठीक हूँ, मुझे नहीं करनी ये हाई जंप। तुम्हें डर लगता है क्या? हाँ, बचपन से मुझे ऊंचाई से डर लगता है। तुमने कभी अपने माँ बाबा या भाई से अपनी इस ऊंचाई के डर के बारे में बात की है क्या? उनका क्या कहना है? क्या उन्होंने कभी कोशिश की तुम्हारे इस डर को निकालने की? नहीं, ऐसी तो कोई कोशिश नहीं करी। माँ घर के काम में व्यस्त रहती है और कभी कोई ऐसा काम हो जो ऊपर चढ़कर करना हो तो वो भाई को बोल देती है। अच्छा, और पापा तो दिन भर ऑटो चलाते हैं, उन्हें भी माँ ने बस ये बता दिया है कि मुझे ऊपर चढ़ने से डर लगता है, तो वो भी सारा काम भाई को ही बोल देते हैं। बस इसके अलावा कभी किसी ने कुछ पूछा नहीं और मैंने किसी को कुछ बताया नहीं। पर किसी को तो तुम्हें साथ मिलकर तुम्हारा ये डर निकालना होगा। कोई नहीं, चल स्कूल के बाद मेरे घर चलते हैं। चुलबुली ने कहा है वो भी आएगी थोड़ी देर में। हाँ ठीक है, चलेंगे। लिखनी है खुद की पहचान, भरनी है उड़ान। अरे आ गए तुम लोग, अंदर चुलबुली तुम्हारा इंतजार कर रही है। बुलबुली, रीना मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे एक ऐसे लिखना है जिसका विषय है मेरी एक ऐसी ख्वाहिश जो मैं पूरी करना चाहती हूँ पर कर नहीं पा रही। हम दोनों को भी इसी विषय पर ऐसे लिखना है। तो तुमने क्या सोचा है, किस ख्वाहिश के बारे में लिखोगी? मैं तो अपने हॉकी सीखने की ख्वाहिश के बारे में लिखूंगी। अरे वाह बुलबुली बेटा, हॉकी खेलने में तो बहुत भाग दौड़ करनी पड़ती है। अच्छा है, सेहत बनी रहेगी। मुझे ना पहाड़ों पर चढ़ने की ख्वाहिश है। उगता हुआ सूरज तो सब देखते हैं, मुझे तो उसे पहाड़ की ऊंचाई से देखना है। पापा मुझे ट्रैकिंग करनी है, लिखना तो इसके बारे में चाहती हूँ पर क्या बेटा? अंकल मैं बताती हूँ, रीना को ऊंचाई से बहुत डर लगता है। हाँ, ये तो स्कूल में भी हाई जंप की प्रैक्टिस नहीं करती। रीना मुझे ये तो पता है कि तुम्हें ऊंचाई से डर लगता है, पर तुमने मुझे पहले कभी ये नहीं बताया कि तुम ट्रैकिंग करना चाहती हो। पापा मुझे कभी आपसे बात करने का मौका ही नहीं मिला, तो मुझे लगा कि मैं कर नहीं पाऊंगी, इसलिए अपने इस सपने को पूरा करने के लिए कभी आपसे बात भी नहीं की। सही कह रही हो बेटा, मैंने कभी तुम्हारे साथ इतना वक्त बिताया ही नहीं कि मुझे पता चलता कि तुम अपने इस डर के कारण अपने माउंटेनियरिंग यानी पहाड़ों पे चढ़ने के सपने को पूरा नहीं कर पा रही हो। दिन भर ऑटो चलाने के बाद घर आकर बस खाना खाया और सो गया, कभी तुमसे बात ही नहीं की इस बारे में। अरे रीना, तुमको छत से कपड़े लाने को नहीं बोलती हूँ मैं, क्योंकि तुम्हें चक्कर आते हैं, तुम पहाड़ों पर कैसे चढ़ पाओगी? पर आंटी, थोड़ा डर तो सबको लगता है ऊंचाई से, लेकिन हम चाहे तो ये डर छोटी छोटी कोशिशों से दूर कर सकते हैं। पर ये रीना अकेले नहीं कर सकती, डर निकालने के लिए किसी का साथ बहुत जरूरी है। हाँ ठीक कह रही हो बुलबुली, गलती शायद मेरी है, मैंने आज तक कोशिश ही नहीं करी,
रीना के इस डर को निकालने की, हमेशा उसे रोकते रहा ऊंचाइयों का सामना करने से, जबकि वो तो पहाड़ों पर चढ़ना चाहती है। मुझे उसके डर को निकालने में उसकी मदद करनी चाहिए, ना कि उसके सपने को भुला देने में। पापा, मैंने बहुत सारी महिला पर्वतारोही यानी माउंटेनियर के बारे में पढ़ा है, जैसे कि विजेंद्र पाल, भावना दिहोरिया। मैं उनके जैसे ट्रैकिंग करना चाहती हूँ, पहाड़ों की ऊंचाई से दुनिया के नज़ारे को देखना चाहती हूँ। हाँ बेटा, तुम ट्रैकिंग करने जरूर जाओगी और अपने स्कूल के ऐसे में भी इस ख्वाहिश के बारे में लिखोगी भी। अच्छा, अब रीना को ट्रैक पर बाद में भेजना, पहले पानी की टंकी देखो, पानी बहुत धीरे आ रहा है। हाँ हाँ, देखता हूँ। चिंटू को बुला लो, वो सीढ़ी पकड़ लेगा। ना ना कमला, आज चिंटू नहीं, मेरी बेटी ये काम करेगी। अरे हमेशा यही तो किया, चिंटू से काम करवा लिया और रीना को कभी मौका ही नहीं दिया उसका डर निकालने का। पर आज मैं उसके साथ मिलकर पहली कोशिश करूंगा। हाँ, आज ही डर कैसे निकल जाएगा जी? अरे भाग्यवान, शुरुआत तो कहीं से करनी पड़ेगी ना, तो आज से क्यों नहीं? पर पापा, मैं कैसे? अब जब तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ हैं, तुम देखना कैसे तुम इस डर को अपने दिल और दिमाग से निकाल पाओगी। हाँ बिल्कुल, तुम बस सीढ़ी को कस कर पकड़ना और ऊपर देखना। सिर्फ पांच सीढ़ी तो चढ़ना है, मैं सीढ़ी को हिलाऊंगा नहीं, तुम बस कोशिश करो। पापा, मुझे डर लग रहा है। रीना, पहली बार हर काम करने में डर लगता है, पर इससे हम कोशिश करना नहीं छोड़ सकते। अरे रीना, तुम्हें कुछ नहीं होगा बेटा, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। अब टंकी का ढक्कन खोल दो। हाँ, फिर पानी का बहाव तेज हो जाएगा। एक, दो, तीन, चार, पाँच। पापा, मैंने कर दिया। शाबाश बेटा, शाबाश। बस ऐसी छोटी छोटी कोशिशों से तुम देखना कैसे तुम्हारा डर निकल जाएगा। हाँ। वाह रीना, बहुत अच्छी कोशिश। चल कल मिलते हैं। पापा, आप कहाँ हो? चाय पी लो। अरे बेटा, चाय छत पर ही ले आ। ओहो, फिर सुबह ट्रेनिंग शुरू कर दी। रुको, चिंटू को भेजती हूँ। माँ रुको, मैं कोशिश करना चाहती हूँ। हाँ शाबाश बेटा, आजा आजा आजा, मैं यहीं खड़ा हूँ ऊपर। तुम धीरे धीरे बिना नीचे देखे ऊपर सीढ़ी चढ़ना शुरू करो। हाँ शाबाश, आओ। पापा ये देखिए, मैं छत पर चढ़ गई। वाह, खुली छत पर सुबह सुबह कितना सुकून है ना। हाँ बेटा, ऐसे ही छोटी छोटी कोशिशों से तुम अपने डर से जीत पाओगी। सुनो जी, आज छुट्टी है, जरा परछत्ती से गेहूं की बोरी उतार दो। अरे भाग्यवान, तुम छुट्टी वाले दिन भी काम कराओगी मुझसे। अरे रीना बेटा, इधर आओ, मेरी मदद करोगी? पापा, परछत्ती तो बहुत ऊंची है। हाँ बेटा है तो, पर जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो डरना कैसा। कल पांच सीढ़ी चढ़े थे, आज आठ सीढ़ी चढ़ेंगे। धीरे धीरे तुम देखना, तुम्हारा आत्मविश्वास खुद बढ़ जाएगा। रीना, तुम कोशिश करना चाहती हो तभी करना बेटा, तुम्हारे पापा ने तो बस अब ठान ही लिए तुम्हारे डर को भगाने की। माँ, आज से पहले पापा ने कभी भी ऐसे वक्त नहीं बिताया मेरे साथ, इस कोशिश के बहाने मैं उनके साथ वक्त बिता रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है माँ। ठीक है बेटा, पर ध्यान से। अरे मैंने स्टूल पकड़ा हुआ है, तुम बस विश्वास के साथ इस पर चढ़ना और देखना तुम्हें डर नहीं लगेगा। जी पापा। आराम से बेटा, आराम से। देखो उतार दी ना बोरी। शाबाश बेटा, ऐसे ही हम छोटी छोटी कोशिश करेंगे रोज, देखना तुम्हारा डर कैसे भाग जाएगा। जी पापा। चल अच्छा है, अब आगे से सारा काम मुझे अकेले नहीं करना पड़ेगा, अब से मैं रीना की सहायता भी ले सकता हूँ। हाँ जरूर। बुलबुली चुलबुली, आओ अंदर आ जाओ। रीना, तुमने ऐसे लिखना शुरू किया, हमने सोचा साथ में ही लिख ले। हाँ बुलबुली,
आज एक बार फिर मैंने पापा के साथ गेहूं की बोरी परछत्ती से उतारी। मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, कि वो कोशिश कर रहे हैं कि मेरा ऊंचाई से डर निकल जाए। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरे पापा भी मेरी लिखी कविताएं सुनते हैं और मुझे बताते भी हैं कि मैं कहाँ गलत या सही लिख रही हूँ। इससे मेरा आत्मविश्वास बहुत बढ़ता है। बिल्कुल सही। अगर हमारे माता पिता हमें वक्त दें और हमें सही राह दिखाएं, तो हम जीवन में कभी भी हारेंगे नहीं। चलो फिर ऐसे लिखना शुरू करें। हाँ जरूर। फिर क्या सोचा रीना बेटा, किस ख्वाहिश को पूरा करने के बारे में लिखोगी? पापा, पहाड़ों पर चढ़ना तो सपना है ही मेरा, पर अब तक जो ऊंचाई का डर था उसके कारण मैंने कभी इसे पूरा करने का सोचा ही नहीं। पर अब बिल्कुल पूरा करूंगी पापा, और कुछ वक्त आपके साथ ऐसे ही छोटी छोटी कोशिशें करूंगी तो अपने आप धीरे धीरे हिम्मत आ जाएगी। बहुत अच्छे बेटा, चलो अब तुम लोग अपना ऐसे लिखो। मुझे कुछ सामान लाने बाजार जाना है, छुट्टी है, आज ही ले आता हूँ। पापा मैं भी साथ चलूं? पर बेटा तुम्हें तो ऐसे लिखना है ना। और बुलबुली और चुलबुली भी यही है। एक मिनट पापा, बुलबुली चुलबुली क्या हम ये ऐसे शाम को लिखे? अभी मैं पापा के साथ वक्त बिताना चाहती हूँ और इसीलिए उनके साथ बाजार जा रही हूँ। हाँ बिल्कुल, हम शाम को मिलते हैं। चल बढ़िया है बेटा, आज साथ में सामान भी खरीद लेंगे और तुझे ऑटो में घुमा भी दूंगा। जी पापा, और वैसे भी गाड़ी चलाना भी तो आप ही सिखाओगे, तो आज से ही शुरू कर देती हूँ गाड़ी चलाने की टिप्स सीखना। हाँ बेटा जरूर। देखनी है ये दुनिया सारी, समझनी है सब दुनियादारी। तो दोस्तों, क्या सीखा हमने स्वस्थ और मजबूत रिश्ते बनाने के बारे में? यही कि अगर हर रिश्ते को प्यार और अपना वक्त देकर सींचा जाए तो रिश्तों में एक दूसरे के प्रति समझ और विश्वास बढ़ जाता है। भरनी है उड़ान, लिखनी है खुद की पहचान। भरनी है उड़ान, लिखनी प्रस्तुति रूम टू रीड।